गुड मॉर्निंग। आज हम BA फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा में देखेंगे यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में हमने बताया योगा की डिफिनीशन, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स। आज हम देखेंगे नीड ऑफ योगा, योगा की आवश्यकता, कि हमारे जीवन में योगा की क्या आवश्यकता है। आज हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन, आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। ये योग सबके लिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें चुस्त रखता है, तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है और एक स्वस्थ मन की अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता करता है। योग हमारे जीवन के हर मूलभूत पहलुओं से जुड़ने तथा इन पहलुओं के हर समस्याओं को हल करने का अचूक साधन है। वर्तमान समय में समाज को योग से जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि समाज में अनेक प्रकार की विकृतियाँ आ गई हैं, जैसे समाज में बिखराव, अंधविश्वास, अस्वस्थ समाज, नशा, बलात्कार, हत्याएं, ईर्ष्या, लालच, लालच यानी तेसरा, दुर्व्यवहार, वृद्धों की उपेक्षा, कलह, तनाव, आत्महत्या, अज्ञानता, सांवेदिक हीनता, संघर्ष बिना वजह का संघर्ष, शारीरिक मानसिक अशांति, डर तथा जीवन में असंतुलन, अस्थिरता, अस्पष्टता, भय, रोग, जरा, मृत्यु, असुंदरता, मानसिक दुर्बलता, हृदय की हीनता, एकता का अभाव, इन सभी प्रकार के विकृतियों के दलदल से समाज तथा मानव जाति को बाहर निकाल कर उन्हें इस प्रकृति जीव जंतु तथा इस ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ने के लिए योग एकमात्र एक प्रकार से यूनिवर्सल पावर होता है। तो जोड़ने का एकमात्र साधन है योग के द्वारा सामाजिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आत्मिक रूप से शक्तिशाली होकर विज्ञान को आध्यात्मिक शक्ति से जोड़कर नई संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। योग एक विद्या है, टीचिंग। शरीर एक साधक है। योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग के इस 8 अंगों के माध्यम से साधक साधना करके अपने जीवन के मूल रहस्यों को जान सकते हैं।
अगला इसमें बताया, पॉइंट करके दिया है, तो योग के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता तथा सम्मोहक आकर्षण, वशीकरण, दिव्य शक्ति, अष्ट सिद्धि, टेलीपैथी, कायागमन, सुपर पावर जिसको कहते हैं सुपर पावर, ये वॉकिंग थर्ड, अदृश्य होना, ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान प्राप्त करना इत्यादि यम नियम है। इनके द्वारा सामाजिक जीवन को निर्मल और संतुलित स्पष्ट बनाया जाता है। आसन और प्राणायाम, इनके द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ, मजबूत, निर्मल व संतुलित तथा स्पष्ट होते हैं लोग। ध्यान, धारणा, समाधि, त्रयमेक कत्र संयम, धारणा ध्यान प्लस समाधि, ये होता है संयम। संयम के द्वारा मन रूपी शक्ति को शरीर रूपी साधन से योग विद्या द्वारा स्थिर करके आत्मा यानी चित्त में प्रवेश कराया जाता है। जब चित्त को साध लिया जाता है तो हमारा शरीर, मन, आत्मा हमारे वश में हो जाता है। शरीर, मन, आत्मा से अलग हमारा क्या अस्तित्व है? हम एक ऊर्जा के रूप में हैं। यह ऊर्जा मन को वश में रखती है, लेकिन जब हम योग को अपने साथ में लेकर चलते हैं तो यह मन व शरीर तथा आत्मा अर्थात हमारे ऊर्जा के वश में हो जाता है। हम यानी ऊर्जा या शक्ति, इस मन को स्थिर करके संयम के द्वारा अपने आंतरिक खजाने को जाना जा सकता है। उसका उपयोग हम अनेक प्रकार के कार्यों को करने में किया करते हैं। सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति तथा ग्रहों, तारों, उल्काओं, पिंडों, आकाश गंगाओं, क्षुद्र ग्रहों तथा पृथ्वी पर जीव, वनस्पति, जीव जंतु, सर्दी, गर्मी, वायु, जल, अग्नि, इनकी उत्पत्ति व विनाश इत्यादि का पूरी तरह संचालन, निर्देशन व नियंत्रण करने वाली अखंड, असीमित और स्पष्ट ब्रह्म बुद्धि से जुड़ने के लिए तथा इस ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करके अनेक अकल्पनीय कार्य को करने के लिए योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे पूर्ति होती है शरीर के इच्छाओं की। हमारे देश में प्राचीन समय में अनेक योगी हुए, जिनमें से एक महर्षि पतंजलि हैं। इन्होंने ही योग सूत्र की रचना की जो हमारे लिए अनमोल रत्न के समान है। प्राचीन समय में गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम 5 से 25 वर्ष में योग, वेद, पुराणों तथा युद्ध का ज्ञान व अनेक प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। प्राचीन समय में योग जीवन के साथ एक अंग की तरह से जुड़ जाता था, लेकिन अब इस तरह से नहीं होता है। योग की सहायता से विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण में योग को लेकर केवल इतना ही अनुभव है कि यह योग केवल शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य को रखा जा सकता है। इस प्रकार योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन, आत्मा को एक साथ जोड़ता है।
थैंक यू।